इस कहानी की शुरुआत 1992 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से शुरू होती है, जहां हम दो सोल्जर फरीचो लंबोर्गिनी और उसके दोस्त को जंग से सही सलामत वापस लौटते हुए देखते हैं। दोनों वापस अपने घर आकर बहुत खुश थे। फरीचो का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इतने दिनों में उसने तो दूसरी शादी भी कर ली होगी। फरीचो कहता है कि ये नहीं हो सकता। इसके बाद फरीचो वहाँ से सीधे अपने वाइफ से मिलने चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ क्लेलिया उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर फरीचो क्लेलिया के साथ वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ उसके किसान भाई खेतों में काम कर रहे थे। वो जब फरीचो को देखते हैं तो उसे देखते ही गले से लगा लेते हैं। वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका भाई जंग से सही सलामत घर लौट आया था। फरीचो के डैड भी उसे देखकर उसे गले से लगा लेते हैं। अगले दिन फरीचो अपने डैड के साथ खेत में काम करते हुए कहता है कि पापा, दुनिया बदल रही है। मैंने जंग में ट्रैक्टर बनाना सीखा है। मैं एक ट्रैक्टर की कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि तुम एक फार्मर हो और तुमसे ट्रैक्टर खरीदेगा कौन, वो बहुत महंगे होते हैं। जिस पर फरीचो कहता है कि मैं कम दामों में अच्छे और मजबूत ट्रैक्टर बना सकता हूँ, जिसे हर किसान खरीदना चाहेगा। डैड उससे पूछते हैं कि तुम ये करोगे कैसे, क्या तुम्हारे पास एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसे हैं? तो वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। मैं और मेरा एक दोस्त मैटियो, हम दोनों मिलकर एक 500 सीसी कार इंजन को 650 सीसी इंजन में बदलकर एक रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम रेस जीत गए तो हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिससे हम अपना पहला ट्रैक्टर बनाएंगे और बैंक को दिखाकर बैंक से लोन लेकर अपनी कंपनी को आराम से स्टार्ट कर पाएंगे। फरीचो के डैड को उसका ये आइडिया फ्लॉप लगता है, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम बस अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर रहे हो, और वो उसके ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फरीचो अपने दोस्त के साथ उस कार रेस के कंपटीशन में जाता है, जहाँ वो मर्सिडीज और फरारी के साथ इस रेस में अपनी कस्टम बिल्ड गाड़ी भगाने वाला था। सिग्नो और फरारी, जो फरारी के ओनर थे, वो झंडा दिखाकर इस गेम को शुरू करते हैं। गेम शुरू होती है, फरीचो और उसका दोस्त मैटियो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन अभी भी वो फरारी के पीछे और मर्सिडीज के आगे थे। लेकिन उनकी कार अचानक से स्लो होने लगती है। फरीचो अपनी कार से मर्सिडीज को आगे जाने देने से रोकने के लिए उस कार का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसके बाद फरीचो इस रेस को हार जाता है। एक्सीडेंट में दोनों को बहुत चोट भी लगती है, और अब फरीचो का सालों पुराना सपना टूटता हुआ दिख रहा था। इसके बाद घर आकर फरीचो अपनी वाइफ के साथ अपने फ्यूचर को लेकर बात करने लगता है। क्लेलिया इशारों इशारों में उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता। तभी मैटो भी उनकी बातें सुनकर वहाँ आता है और उसे बताता है कि बेवकूफ, वो माँ बनने वाली है। ये न्यूज सुनकर फरीचो बहुत नर्वस फील करने लगता है। इसके बाद फरीचो वहाँ से अपने डैड के पास जाता है और चाय पीते पीते उनसे बातें करने लगता है। फरीचो के डैड समझ जाते हैं कि उसके बेटे को पैसों की जरूरत है। वो उसे अपनी वॉलेट निकाल कर दे देता है, लेकिन उतने पैसों में उसका कुछ नहीं होने वाला था। फरीचो कहता है कि ये काफी नहीं है, मुझे और पैसों की जरूरत है। अगर आपने मुझे मेरे पैसे दिए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आपके पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। ये सुनकर उसके पापा का मन बहुत भारी हो जाता है। वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद अपने दिल पर पत्थर रख के वो उसे अपने फार्म का कागज लाकर दे देते हैं। फरीचो फार्म बेचकर उन पैसों के साथ अपनी वाइफ क्लेलिया के पास पहुंचता है। क्लेलिया उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है। वो कहती है, वो फार्म तुम्हारे भाइयों का है, वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं दिन रात उसी में काम करते हैं, वो फार्म उनके रोजी रोटी का एक लौता जरिया है। तुम जाओ और उनके फार्म को वापस से खरीद कर उन्हें दे दो। वो उसे बहुत समझाती है कि वो वापस जाकर उनके फार्म का पेपर उन्हें लौटा दे, लेकिन फरीचो नहीं सुनता और फार्म बेचकर मिले पैसे को लेकर अपने बैंक में डिपॉजिट करवा देता है। और फिर अगले दिन वो एक गैराज किराए पर लेकर अपने दोस्त मैटियो के साथ वहाँ काम करना शुरू कर देता है। वो लोग अपने ट्रक कंपनी का नाम लैम्बोर्गिनी रखते हैं, जहाँ फरीचो ये प्लान करता है कि हम एक नहीं दो फ्यूल टैंक का इस्तेमाल करेंगे। जब इंजन स्टार्ट होगा तो हम गैसोलीन छोड़ेंगे और फिर उसमें पेट्रोल छोड़ देंगे, जिससे इंजन में फ्यूल की कीमत भी कम होगी और हमारे ट्रक को चलाने के लिए फ्यूल का खर्च भी कम आएगा। मैटियो को भी फरीचो का ये डबल फ्यूल और कॉपर कॉइल से बने हाइब्रिड टैंक का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो दोनों एक पुराने गैराज में जाते हैं, जहां उनके इस्तेमाल में आने लायक एक ट्रक उन्हें बहुत ही कम दामों में मिल जाता है।
वो उस ट्रक के साथ अपने गैराज में पहुंचते हैं। उनके गैराज के सामने एक लड़की अक्सर बस से आया जाया करती थी, जिस पर मैटो का दिल आ जाता है। वो लोग उस पुराने खटारा ट्रक को खोलकर अपने इस्तेमाल में आने लायक कंपोनेंट बाहर निकालने लगते हैं। अगले दिन मैटो की क्रश उसी बेकरी में आती है जहां वो लोग कॉफी पी रहे थे। मैटो उसे ही देख रहा था, जिस पर फरीचो कहता है कि तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन मैटो बहुत डरपोक था। वो अपनी दिल की बात कहने से बहुत डर रहा था, इसीलिए फरीचो मैटो की तरफ से उस लड़की के पास जाता है और उसके लिए पेस्ट्री लेता है। इस लड़की का नाम अनीता था। फिर फरीचो अनीता को मैटो से मिलवाता है। वो कहता है, इससे मिलो, ये मेरा दोस्त मैटो है। ये एक बहुत ही बड़ा रेसर और कार इंजीनियर है। लेकिन अभी भी वो उसे देखकर बहुत नर्वस फील कर रहा था। फरीचो अनीता को अपने साथ बैठने का बोलता है तो वो कहती है, मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। उसके जाने के बाद मैटो उसे कहता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, मुझे नहीं। जिस पर फरीचो कहता है कि मैंने उससे बात की, इसीलिए तुम उससे बात करोगे तो वो तुम्हें भी पसंद करेगी। अगले दिन वो दोनों अपने गैराज में काम कर रहे थे, तभी अनीता वहाँ से गुजरती है तो वो फरीचो को हाई करती है, जिसे देखकर फरीचो मैटो से उसे हाई करने को कहता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और इसी महीने में क्लेलिया अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो फरीचो से कहती है कि मेरे डिलीवरी वाले दिन तुम टाइम निकाल कर आ जाना। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उस वक्त तुम मेरे साथ रहो। अगले दिन हम देखते हैं कि फरीचो ने अपने ट्रक का ऑलमोस्ट पूरा काम खत्म कर दिया है। वो अपने ट्रक को बहुत ही प्यार से पेंट भी करता है और फिर वो अपने कंपनी का लोगो लेने जाता है और उसे लेकर सीधे अपने घर चला आता है, जहां उसकी माँ उसे बताती है कि क्लेलिया का बहुत खून बह रहा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। फरीचो वहां से दौड़ता हुआ हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। यहां हॉस्पिटल में क्लेलिया की डिलीवरी चल रही थी, लेकिन उसका बहुत खून निकल रहा था और वो दर्द के मारे बार बार फरीचो का नाम चिल्ला रही थी। इसी दौरान उसके बच्चे का जन्म तो हो जाता है, लेकिन क्लेलिया नहीं बच पाती। क्लेलिया फरीचो के बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है। फरीचो जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें एक बेबी बॉय हुआ है, लेकिन हम तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा सके। फरीचो क्लेलिया के पास जाता है और उसे मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है और फिर वो गुस्से में अपने गैराज जाकर वहां रखे एक हथौड़े से गैराज के सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। वो अपने ट्रक को भी तोड़ने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने डैड और अपने भाइयों का याद आता है, जिन्होंने अपने खेत को बेचकर उसे पैसे दिए थे। इसके बाद वो लोग क्लेलिया का फ्यूनरल कर देते हैं और फरीचो के डैड उसके बेटे को अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं, ताकि वो और उसकी वाइफ मिलकर उसकी देखभाल कर सके। अगले दिन फरीचो सीधे बैंक जाता है और मैनेजर को अपने ट्रक की फोटो दिखाकर कहता है कि मैं आधे दाम में ट्रक बना सकता हूँ, इसके लिए क्या आप मेरे कंपनी को लोन दोगे। इसके बाद फरीचो अपने गैराज में जाता है और मैटो को बैंक से मिले लोन एग्रीमेंट का पेपर दिखाता है, जिसे देखकर मैटो बहुत खुश हो जाता है। अब उनके पास बहुत पैसे थे, इसीलिए शाम को वो लोग पार्टी करने पब में जाते हैं, जहां अनीता भी आई थी। मैटो फरीचो से कहता है, ये कितनी खूबसूरत है, मैं सोते उठते बस उसके बारे में ही सोचता हूँ, उसे देखते ही मेरा फ्यूज उड़ जाता है। जिस पर फरीचो उससे कहता है कि इससे पहले लेट हो जाए, तुम्हें अपनी दिल की बात उससे जाकर बता देनी चाहिए। इसके बाद फरीचो मैटो को अकेला छोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। फरीचो पब से बाहर आकर सिगरेट पीते पीते रोने लगता है। तभी अनीता वहाँ आती है तो फरीचो उससे कहता है कि क्या मेरे दोस्त ने तुमसे बात नहीं की। तो वो कहती है कि किया, लेकिन उसके पास मेरे आँखों में देखने की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन तुम्हें होती है। फरीचो कहता है, तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। जिस पर वो कहती है, मैं उसे चांस क्यों दूं। अनीता फरीचो को उदास देखकर उसके पास बैठने लगती है तो वो उससे कहता है कि मेरे पास मत बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन वो उसके पास बैठ जाती है और उसे बातें करने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैटो अनीता को पसंद करता है और अनीता फरीचो को। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज बैठे थे। तभी मैटो पीछे से आकर उन्हें देख लेता है।
फिर जब परिचो वहाँ से जाने लगता है तो मैटो उससे कहता है, तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो, क्लेलिया के मरे कुछ दिन ही हुए हैं और तुमने मेरे साथ साथ उसे भी धोखा दे दिया। जिस पर वो कहता है, मेरा बेटा बहुत छोटा है, अनीता उसका ख्याल रख सकती है, मैं तो बस अपने बेटे के लिए एक माँ ढूंढ रहा हूँ। और माफ करना दोस्त, अनीता तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैटो को उसकी बातें बहुत बुरी लगती है, वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मुझे कंपनी का 25% शेयर चाहिए और बाकी का 75% तुम्हारा। इतना बोलकर मैटो अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ सालों के बाद 1963 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फरीचो अब पूरी तरह से बदल गया था। वो एक बेकरी से बहुत सारे खाने पीने की चीजें लेकर अपनी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी लैम्बोर्गिनी में पहुंचकर अपने स्टाफ को वो सारी चीजें दे देता है और फिर वो अपनी वाइफ अनीता से मिलने जाता है, जो कि अब उसकी सेक्रेटरी भी थी। वो उसके लिए उसके पसंद का पेस्ट्री भी लाया था। अनीता कहती है कि टोनिनो लैम्बोर्गिनी के टीचर ने मुझे कॉल किया था, टोनी अपने पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तुम उसकी हर विश पूरी करते हो, महंगे महंगे गिफ्ट देते हो, लेकिन अपने बाप होने का फर्ज निभाना भूल जाते हो, जाओ जाकर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जिसके बाद फरीचो अपने बेटे टोनी को लेकर पॉट पर जाता है और उसे उसके फेल होने पर एक बोर्ड गिफ्ट करता है। फरीचो टोनी से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था। टोनी कहता है, क्या आपको उनकी याद आती है, तो वो कहते हैं हाँ बहुत, क्योंकि वो मेरे लिए दुनिया की सबसे स्मार्ट औरत थी, वो मुझे बहुत अच्छे से समझती थी। फिर वो टोनी से कहता है कि अगर इस बार तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें फरारी गिफ्ट करूंगा। अब हम एक बॉब नाम के आदमी को देखते हैं, वो फरीचो के पास जॉब के लिए आता है। उस वक्त फरीचो अपनी कार को ठीक कर रहा था। वो फरीचो से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। फरीचो से पूछता है कि तुम क्या करोगे, तो वो कहता है कि इससे पहले मैं मसेराती के लिए काम करता था। वो कहता है कि मेरे सारे फरारी की क्लच बहुत ही बेकार है, मैं अपने ट्रैक्टर के क्लच को मॉडिफाई करके अपने फरारी में यूज करना चाहता हूँ। इसके बाद बॉब फरीचो को सिग्नोर फरारी के घर के पास लेकर जाता है और उसके घर के बाहर उसके बाहर आने का वेट करने लगता है। वो जैसे ही बाहर आता है, फरीचो लैम्बोर्गिनी के नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मुझे लगता है आप दुनिया के बेस्ट कार बनाते हो, मेरे पास आपके टॉप 7 कार है हफ्ते के 7 दिन के लिए, लेकिन मेरे साथ तो फरारी में एक ही प्रॉब्लम है, उनके क्लच, फरारी के क्लच बहुत बेकार रहते हैं। मैं फरीचो लैम्बोर्गिनी यहाँ आपके पास एक ऑफर लेकर आया हूँ, अगर फरारी और लैम्बोर्गिनी मिलकर पार्टनरशिप कर ले तो हम दुनिया के बेस्ट कार बना सकते हैं। जिस पर फरारी बहुत ही अकड़ में बोलते हैं कि तुम किसान हो, अपने ट्रैक्टर के साथ खेतों में जाओ। फरीचो दोबारा से फरारी से कहता है कि अगर आप मेरे ट्रक के क्लच को यूज करोगे तो आपका काम बन जाएगा, जिस पर वो कहते हैं मैं अनपढ़ लोगों के साथ काम नहीं करता। इसके बाद फरीचो बॉब को काम पर रख लेता है क्योंकि वो मसेराती में कार बनाता था। नेक्स्ट सीन में हम फरीचो को अपने बेटे और वाइफ अनीता के साथ एक बेस्ट बुल फाइटर का फोटो देखते हुए देखते हैं। इस बुल को देखकर फरीचो को एक कार बनाने का आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं एक ऐसी कार बनाऊं जो बुल की तरह स्ट्रांग हो। अगले दिन फरीचो फरारी मसेराती और अल्फा रोमियो के चीफ इंजीनियर को बुलाकर अपना डिजाइन दिखाता है और उनसे पूछता है कि इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर वो कहते हैं बन तो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फरीचो कहता है कि 6 महीने बाद जेनीवा मोटर शो होने वाला है, लोग वहाँ नेक्स्ट फरारी को देखने आएंगे, लेकिन जब उन्हें वहाँ पहला लैम्बोर्गिनी जीटी दिखेगा तो उनके होश उड़ जाएंगे, लेकिन इस कार को बनाने के लिए उन्हें अलग अलग कंट्री से जाकर पार्ट्स लाने थे। नेक्स्ट सीन में हम फरीचो को फोन पर किसी से बातें करते हुए देखते हैं, फिर वो गुस्से में आकर अनीता से कहता है कि कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, अब लगता है मुझे ही जर्मनी जाकर सामान लाना होगा। अनीता फरीचो से कहती है कि तुम अपने कार बनाने के आइडिया को ड्रॉप कर दो, क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे, ऑलरेडी तुम्हारे ट्रैक्टर, एयर कंडीशनर और हीटर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अनीता ये भी कहती है कि आने वाले समय में पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से लोग लग्जरी कार खरीदना बंद कर देंगे। वो नहीं मानता तो अनीता उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम हम सबको रोड पर ला दोगे, तुम्हें ना तो बोर्ड मेंबर की परवाह है, ना अपने एम्प्लॉयज की, ना मेरी और इवन ना अपने बेटे की। जिस पर फरीचो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं सबके तरह नॉर्मल नहीं रह सकता। दोनों खूब लड़ते हैं।
फरीचो कहता है कि तुम्हें छोड़कर सब मुझे पसंद करते हैं, सबको मेरा आइडिया बहुत पसंद आया। जिस पर वो कहती है तुम उन्हें पैसे देते हो इसीलिए वो तुम्हें पसंद करते हैं। जिस दिन तुमने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया वो तुम्हारे कंपनी के खिलाफ स्ट्राइक कर देंगे। तभी अनीता फरीचो के कंपनी से अपने सेक्रेटरी के पोस्ट से रिजाइन कर देती है। कुछ दिनों के बाद अलग अलग कंट्री से लैम्बोर्गिनी जीटी में इस्तेमाल आने लग सारा सामान लेकर फरीचो काम शुरू करवाता है, लेकिन उन्होंने अभी तक कार के ऑटर डिजाइन को फाइनल नहीं किया था। उसके एक इंजीनियर ने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाया था, लेकिन फरीचो को वो डिजाइन पसंद नहीं आता तो वो उसे फिर से बनाने को बोलता है। वो डिजाइन उस इंजीनियर को बहुत सही लग रहा था, वो चाहता था कि लैम्बोर्गिनी जीटी उसी डिजाइन में बने, इसीलिए वो थोड़ा सैड हो जाता है। इसके बाद फरीचो उसे जाकर समझाता है और कहता है, यू नो हाउ मच आई लव यू बेबी, लेकिन मुझे तुम्हारे डिजाइन में थोड़ी कमी लग रही है, तुम प्लीज उसे मेरे लिए मॉडिफाई कर दो। लेकिन वो लोग जिस इंजन को अपने कार में यूज करने वाले थे उसका इंजन बहुत बड़ा था, जिस वजह से उनके कार का बोनट बंद नहीं हो सकता था। जिसके बाद फरीचो अपने इंजीनियर से इंजन के कार्बोनेटर को वर्टिकल के जगह हॉरिजेंटल लगाने का बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद फरीचो अपनी कार की लोगो बनवाने जाता है जिसमें उसने बुल का सिंबल यूज किया था, जिसे इंस्पायर्ड होकर उसने कार बनाया था और उसने अपने लोगो में गोल्ड का भी इस्तेमाल किया था। फिर कुछ दिनों के बाद फरीचो को उसके इंजीनियर उसके कार का नया डिजाइन दिखाते हैं जो उसे बहुत पसंद आता है। इंजन इंजीनियर कार के कार्बोनेटर को भी हॉरिजेंटल कर देता है और आज फाइनली इंजन के ऊपर बोनट लगकर जब फरीचो उसके परफेक्शन को चेक करता है तो वो अपने डिजाइन के साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा था। आज फरीचो का सपना पूरा हो चुका था, इसीलिए शाम में वो अपने सारे एम्प्लॉय के लिए पार्टी रखता है जहां उसने उन्हें इंटरटेन करने के लिए कुछ फेमस सिंगर को भी बुलाया था। लेकिन फरीचो उनके गाने से बोर हो रहा था इसीलिए वो अपने नेक्स्ट कार के कंसेप्ट को एक टिश्यू पेपर पर डिजाइन करने लगता है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम गिब्रेल था, वो वहां आती है और फरीचो के साथ फ्लर्ट करने लगती है। फरीचो भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था तभी उसकी वाइफ अनीता और उसका बेटा टोनी वहां आते हैं। अनीता टोनी को वहां रुकने का बोलकर फरीचो के पास जाती है और उसे किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए देखकर वो उसे डिवोर्स दे देती है और फिर वो अपने साथ साथ उसके बेटे टोनी को भी लेकर जाती है क्योंकि वो शुरू से उसके साथ ही था और वो अनीता को अपनी माँ समझता था। अगले दिन फरीचो लैम्बोर्गिनी जीटी की टेस्टिंग करता है और उसके परफॉर्मेंस से वो बहुत इंस्पायर्ड होता है। वो अपनी पूरी टीम को थैंक्स करता है। अब दिन था जिनेवा मोटर एग्जीबिशन का जहां सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नए नए कार को लॉन्च करती है। यहां फरीचो भी अपने कार के साथ आया था। वो गिब्रेल को एक पेपर फरारी को देने को कहता है। फरारी जब उसे देखता है तो फरीचो ने उसकी बहुत गंदी ड्राइंग बनाकर उसकी कंपनी की बहुत बेइज्जती की थी। सारे ऑडियंस की नजर फरीचो के लैम्बोर्गिनी पर थी। वो जब अपने कार को सबके सामने लॉन्च करता है तो सब बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पर फरीचो फरारी को एक और टोंक मारता है। वो कहता है अगर आप रिच दिखना चाहते हो तो जाओ फरारी खरीदो और अगर आप वाकई में रिच हो तो आपके पास लैम्बोर्गिनी होनी ही चाहिए। कई सालों तक सब कुछ सही चलता है लेकिन एक दिन अनीता की कही बात सच हो जाती है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोग लैम्बोर्गिनी कार्स खरीदना एकदम से बंद कर देते हैं। फरीचो की कंपनी लैम्बोर्गिनी का दिवाला निकल जाता है। वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी नहीं दे पाता इसीलिए उसके सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देते हैं। जिसके बाद फरीचो अपने बेटे को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं अपने कंपनी का 50% शेयर तुम्हारे नाम करता हूँ और बाकी का 50% मैंने अपने भाइयों के नाम किया है जिनके जमीन को बेचकर मैंने ये कंपनी बनाई थी। टोनी लैम्बोर्गिनी के अब 3 बच्चे भी थे। वो अपने डैड से खाते हुए बातें करता है, अपने बच्चों का हाल चाल देता है और फिर वहां से चला जाता है। मूवी के एंड में हम फरारी और लैम्बोर्गिनी के बीच एक रेस होते हुए देखते हैं जहां लैम्बोर्गिनी रेस में अपनी गाड़ी भगाता ही नहीं है। वो वहां से अपने डैड के फार्म में चला जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि फरीचो अपने डैड के फार्म में अंगूर की खेती कर रहा है। अब वो अपनी लाइफ एक फार्मर की तरह जीने लगा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे दोस्तों एक ऐसे ही स्टोरी को मैंने कुछ दिनों पहले एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे अब तक नहीं देखा तो वीडियो के एंड में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लें। और